अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं। नाजो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी, इतने में एक माली आता है और उन्हें एक नारियल देता है। अब्बा नारियल में सुराख करते हैं और नाजो को पीने के लिए देते हैं। नाजो उसे मुंह लगाकर नारियल का मीठा और ठंडा पानी पीते हैं। नारियल का पानी मीठा आपको मालूम है, वो हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। इसमें बहुत से कुदरती अज्जा होते हैं जो हमारे जिस्म को ताकत देते हैं। वो पीती है। पीने के बाद नाजो के अब्बा उसके दो टुकड़े करते हैं। दो टुकड़े करने के बाद उसमें से सफ़ेद मलाई जैसा एक हिस्सा निकलता है। नाजो उसे चमचे से खाती है। उसके बाद नाजो और उनके अब्बा बाग में टहलने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें नारियल के दरख्त उन्हें नज़र आते हैं। उन्हें देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये छाता है। छाता तो हमने देखा है, छाते में ऊपर से पर्दा होता है और एक स्टैंड होता है, उसी तरह से नारियल के दरख्त उन्हें नज़र आते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, उनकी बातें चलती है। नाजो उनसे पूछती है, नाजो को बताते हैं, नाजो के अब्बा उन्हें बताते हैं कि बेटी तुम्हें पता है कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये बात सुनकर नाजो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, यानी वो हैरत करने लगती है। वो कहती है, अब्बू ये तो लकड़ी का दरख्त है, इसे सोने का दरख्त क्यों कहते हैं? तो नाजो के अब्बा बताते हैं कि बेटी इसकी हर हिस्सा जो है, नारियल के दरख्त का हर हिस्सा बड़े फायदेमंद है, इसे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ बनाई जाती है, इसलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। नाजो और एक सवाल करती है कि इसका तना तो इतना बड़ा है, इससे क्या बनता होगा? सवाल पूछती है। अब्बा जवाब देते हैं कि बेटी माहीगीर इससे कश्तियां बनाते हैं, घरों की छत भी इससे बनाई जाती है। फिर नाजो के जहन में एक सवाल आता है, वो पत्तों की तरफ देखती है। पत्ते लहराते उसे नजर आते हैं। वो कहती है कि कितने प्यारे पत्ते हैं, क्या ये पत्तों से भी कोई चीज बनती है? तो नाजो के अब्बा कहते हैं, हाँ बनती है, नारियल के दरख्त के पत्तों से झाड़ू बनती है, चटाई बनती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर नाजो कहती है कि नारियल के दरख्त को जो नारियल है, इसे खोपरा भी तो कहा जाता है। नाजो के अब्बा कहते हैं, हाँ खोपरे से तेल निकाला जाता है, तेल हमारे लिए बहुत इस्तेमाल की चीज़ है, हम इसका इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं, बहुत से लोग घी की बजाय नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, और नारियल का तेल हम सर में लगाते हैं, नारियल से के तेल से साबुन बनती है। तो नाजो को बड़ी हैरत होती है। नाजो कहती है, ये तो बहुत ही काम का दरख्त है। उसके अब्बा कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, अभी तो तुमने पूरी बात सुनी ही नहीं, नारियल के दरख्त से जो उसके रेशे होती है, जब हम नारियल को तोड़ते हैं उसकी जब रेशे निकलती है, उससे रस्सी बटी जाती है, जिसे काता कहते हैं। काते से चादर बनाए जाते हैं, पायदान बनाए जाते हैं। तो गोया नारियल के दरख्त की हर चीज़ काम में आती है, इसीलिए बेटे इसे सोने का दरख्त कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा यहाँ सबक ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए एक घर काम देता हूँ कि हमारे अतराफ में मौजूद किसी एक दरख्त के बारे में जो हमें फ़ायदा देता है, उसके बारे में आप मालूमात हासिल करेंगे। शुक्रिया।